दुर्ग के बेलदार पारा में बीती रात सिगरेट के धुआं उड़ाने के नाम से विवाद पर एक युवक की हत्या हो गई। मृतक सेंट्रल जेल से 2 महीने पहले ही रिहा हुआ था। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने एक अपचारी सहित 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दुर्ग शहर में बीती रात गया नगर के बेलदार पारा हनुमान मंदिर के पास सिगरेट के धुएं उड़ाने के नाम पर रॉकी देशमुख के साथ मामूली विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा, इसके बाद मोहल्ले के कुछ युवकों ने मृतक रॉकी देशमुख के साथ बघेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास लाठी डंडे से मारने के बाद पत्थर लटकाकर युवक की निर्मम हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने शिनाख्त कर शव को मर्चुरी भेज दिया। बता दें, मृतक रॉकी देशमुख दुर्ग के गया नगर हनुमान मंदिर के पास का निवासी बताया गया है। रॉकी हाल ही में एक पुरानी हत्या के मामले से बरी हुआ था और पेशे से पेंटर और रंगदारी दिखाने का आदी भी था, जिसकी बॉडी पुलिस को बघेरा रेलवे फाटक के पास मिली है, जहां मृतक रॉकी के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही घटना स्थल पर लाठी और डंडा भी बरामद किया गया है। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। साथ ही बताया कि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और कुछ की तलाश जारी है। वही दुर्ग CSP दुर्ग मणिशंकर चंद्रा और चश्मदीद खिलेश्वर सोनी ने लड़ाई झगड़े की वजह एक दुकान में सिगरेट पीकर धुआं उड़ाने को लेकर विवाद होने की बात कही। सामुदायिक भवन के पास से सूचना मिली कि एक लड़के की बॉडी नाली में पड़ी हुई है, जिस पर हमारा थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा वहां पर जाकर जांच पड़ताल किया गया, जिसमें यह पता चला कि उसके शरीर पे चोट थी, जिस पे आसपास पे पूछताछ करने पे पता चला कि कुछ मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ उनकी मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान ही उसको मारकर वहाँ पर फेंक दिया गया है। हमने जांच किया, जांच में लगभग 6 आरोपियों का नाम आया था और 6 को गिरफ्तारी की जा चुकी है। मारपीट का कारण क्या था? जो मृतक है वो पूर्व में भी एक मर्डर केस का आरोपी रह चुका है और वो अभी न्यायालय के द्वारा उसको छोड़ दिया गया था, जिस पर वो बाहर आया हुआ है। उसमें वो वहाँ पर लोगों को धमका रहा था कि मेरा पूर्व में भी मर्डर किया गया है और मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ उसके विवाद हो रहा था, तो जिस पर मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। अभी जो 6 आरोपी है उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार की पूर्व में अपराध दर्ज हुआ होगा तो उसको भी आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।